तो दोस्तों फिर आ गया एक और नया सीरीज आपका, नया वीडियो आपका, कौन सा रट लो इन्हें पार्ट फोर है ये। इससे पहले के तीन वीडियो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रेकर पे पड़ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बीए क्रेकर पे आप जो है इसका तीन पार्ट जो है अलग देख सकते हो, जिसमें जो है विभिन्न जितने भी आपके जो सिलेबस के जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों को लेकर के उन अध्यायों से जो है अब तक कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं और किन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, यही श्रृंखला चल रही है। तो रट लो इन्हें का ये भाग जो है चार है दोस्तों बीए क्रेकर पे। इससे पहले वाला तीन पार्ट पढ़ चुका है तो वहाँ पर देख लीजिए, बाकी के जितने भी पार्ट आएंगे जितने भी अध्याय के तो वो सारे किसी पे किस पे आएंगे दोस्तों, तो बीए क्रेकर पे आएंगे। तो प्लीज़ बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटे के बटन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन पहुँचता नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट निर्धारित कर दूंगा, इस वीडियो की प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में आपको जो है सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम से पहले ये सारा सिलेबस आपका जो है अधिकतर कवर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो ये किन के क्वेश्चनों की बात हो रही है, तो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, शुक्लेश डी पॉइंट यानी इसी चैनल पे पड़े हुए हैं दोस्तों, तो वहाँ से उसको देख सकते हो आप। और मैं बात करूँ द्वितीय प्रश्न पत्र का, तो यहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने नहीं बनाए थे। तो इस समय जो जितने भी द्वितीय प्रश्न पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समाजशास्त्र की परीक्षा और समाजशास्त्र विषय वस्तु से बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा में दोस्तों, उन सभी को आज हम देखेंगे। जैसे आज का टॉपिक है आपका गाँव कस्बा एवं नगर, गाँव कस्बा एवं नगर। और अगला दोस्तों आपका टॉपिक आएगा इसके बाद वाला वीडियो, इसके बाद वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको गाँव कस्बा एवं नगर के बारे में, तो इसमें बता देंगे। उसके बाद में ग्रामीण और नगरीय संबंध बताएंगे हम। बीए करेकर पे जो अगली पार्ट डालेंगे, मतलब अगला जो 5 नंबर पार्ट डालेंगे उसको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त शिवम शुक्ला और आप देख रहे हो शुक्ला स्टडी पॉइंट। दोस्तों देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, क्या है क्वेश्चन देखिए कि सन 2001 की मैं बात करूं तो सन 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में कितने ग्राम हैं। ग्राम मतलब दोस्तों आप समझते होंगे कोई ग्राम होगा, ग्राम की परिभाषा कैसे आप दे सकते हो, कोई निश्चित भूभाग हो और उसमें कोई निश्चित मतलब एक निश्चित क्राइटेरिया के अंदर, निश्चित भूभाग के अंदर एक निश्चित जनसंख्या नहीं कह सकते क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी एक निश्चित जनसंख्या होती है, जैसे वोटर आईडी कार्ड ये सारी चीज़ बने होती है, तो उसी को ग्राम की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें एक गाँव में एक मुखिया होता है या फिर उसको प्रधान, इस समय आधुनिकता की ओर अगर हम बढ़े तो उनको प्रधान बोला जाता है, या फिर अगर शहरों में देखा जाए तो शहरों में कुछ अलग होते हैं, इस तरीके से जो है सारा डिवाइड होता है। तो 2001 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों उसमें जो है उसके आधार पर बात करें तो भारत में कितने ग्राम हैं, तो कितने ग्राम हैं दोस्तों, लगभग 5 लाख से अधिक गांव जो हैं अपने इंडिया में विद्यमान है, किस जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार। और ध्यान रखिएगा दोस्तों जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो 10 वर्षों बाद होती है, इसका मतलब कि 2011 की भी जनगणना हुई होगी, बिल्कुल 2011 की हुई। और अब इसके बाद में जनगणना कौन सी होने वाली है दोस्तों, तो अब जनगणना होने वाली है 2021 की, बिल्कुल 2021 की होने वाली है जनगणना। इसी से रिलेटेड जो है एक रजिस्टर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, अमित शाह मोदी जी द्वारा, उस केंद्र मतलब उस रजिस्टर का क्या क्या नाम है दोस्तों, एनपीआर जिसको बोलते हैं, एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने थे। पहले जो थीम थी इसकी, पहले कितने क्वेश्चन थे, पहले 15 के समथिंग क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन 6 क्वेश्चन इनमें 7 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। ठीक, तो अब जो है टोटल 22 क्वेश्चन, 22 या 21 क्वेश्चन लगभग में ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, तो उसमें क्या पूछा जाएगा, माता पिता का नाम, अगर आपके मतलब शादी हो गई तो पत्नी का नाम या फिर पति का नाम। ठीक है, और सारे जो है कितना आपके पास खेत है, मतलब सारी चीज़ें जो है जो बायोडाटा पहले लिया नहीं जाता जनगणना से पहले, अगर आपको पता होगा 2011 की जनगणना याद होगी तो 2011 में पूछा गया था। तो उसी तरीके से क्या होगा, इसमें 6 क्वेश्चन और शामिल कर दिए गए जिसमें आधार नंबर, ये पैन कार्ड, ये सारे नंबर जो है इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो यही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसके तहत जो व्यक्ति भारत में जो है आएगा, मतलब जिसके पास ये सारी जो है क्राइटेरिया होंगी, सारी की मैं बात नहीं, मतलब पूरे अगर ना भी हों तो भी चलेगा, इनमें से मतलब जितने 22 बताए गए इनमें से होने चाहिए आपके पास। ठीक, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर जिसको बोलते हैं, और एनआरसी जो होता है दोस्तों, एनआरसी मतलब क्या होता है, ये काफ़ी मुद्दे में है, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, क्या, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इसका मतलब होता है दोस्तों। ठीक,
और उसका क्या होता है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, कितने ऐसे लोग हैं, एनआरसी का मतलब दोस्तों होता है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिटीजनशिप प्राप्त है किसकी, भारत की, वो इस रजिस्टर में शामिल होगी, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में, एनआरसी में। और जो एनपीआर बनाया जा रहा है दोस्तों, उसके तहत क्या होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब भारत के भूभाग पर भारतीय सीमा में कितने लोग ऐसे रह रहे हैं जी, मतलब कितने सारे लोग रह रहे हैं, पूरे सबका जो है उनको बायोडाटा किया जाएगा कि कहाँ से हैं, कितने मतलब कब से रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो पॉपुलेशन मतलब कितनी जनसंख्या इंडिया की, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मतलब ये अलग होता है, इसमें सिटीजनशिप और गैर सिटीजनशिप मतलब नॉन सिटीजनशिप वाले भी शामिल होते हैं, मतलब जो नागरिकता प्राप्त वाले व्यक्ति होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और जिनको नागरिकता नहीं प्रदान होती वो भी शामिल होते हैं। जबकि एनआरसी की मैं बात करूँ तो एनआरसी में कैसे शामिल होते हैं, जिनको सिटीजनशिप प्राप्त होती है किसकी, इंडिया की, ठीक। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया, करंट का मुद्दा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में निम्नांकित में से किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है, तो निम्नांकित में से किस आधार पर दोस्तों गांव को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, कृषि व्यवसाय के आधार पर, इससे बिल्कुल भी विभाजित नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा दिया है दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भी निश्चित नहीं रख सकते दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर हम गांव का बंटवारा कर सकते हैं, मतलब गांव को परिभाषित कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया है आपका, प्राथमिक संबंधों के आधार पर, तो प्राथमिक संबंधों के आधार पर भी जो है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो बचा दोस्तों कौन, एक विशेष जीवन विधि के आधार पर जो है हम गाँव की परिभाषा देते हैं, गाँव की विशेष विधि क्या है, गाँव किस प्रकार से शहरों से अलग है या कस्बों से अलग है, इस तरीके से उसकी परिभाषा दी जाती है दोस्तों। तो कौन सी आपकी विधि होगी, तो कैसी विधि, एक विशेष जीवन विधि मतलब विशिष्ट मतलब अलग जीवन विधि जो कि शहरों से और कस्बों से गांव को अलग करती है, यहीं से हम इसकी परिभाषा ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है। प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, नहीं है, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं पूछा था तो आपको नहीं देखना है, ठीक। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ दिया है सामाजिक समरूपता, बी दिया है दोस्तों आपका क्या दिया है, नगरीय ग्राम, और सी आपका उपनगरीय ग्राम ले लीजिए, और डी ले लीजिए अर्ध नगरीय ग्राम, ठीक है, अर्ध औद्योगिक ग्राम ले लीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, नगर की एक एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो कौन सी नहीं है, तो गांव से संबंधित नगरीय ग्राम जो होता है वो ग्राम से संबंधित नहीं है, ग्राम जो नगरीय ग्राम होता है ये नगर से संबंधित होता है, ठीक, ये गांव से संबंधित नहीं होता। जबकि इसकी विशेषता क्या होती है गांव की, तो सामाजिक समरूपता होती है, समाज में सभी को समान रूप से देखा जाता है, समरूपता होती है, ठीक। उपनगरीय ग्राम भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है, ग्राम से संबंधित है, इसकी विशेषता है, उपनगरीय ग्राम जो होते हैं वो भी ग्राम से रिलेटेड एक मतलब उनकी गांव की विशेषता है क्या, उपनगरीय ग्राम। और जो अर्ध मतलब औद्योगिक ग्राम मतलब जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया है मतलब आधी पूर्णतया नहीं है, वो भी गाँव की मतलब गाँव की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं इसी श्रृंखला में, अगला प्रश्न है कि जो नगर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस की भाषा को समझ करके तभी उत्तर आपको जो है उत्तर तक पहुँचना, अगर भाषा समझ में आ गई प्रश्न की तो आपको उत्तर तक पहुँचना कोई असंभव बात नहीं है, आपको जो है थोड़ी सी बस मेहनत करनी होती है, थोड़ा क्लू मिल जाता है, क्योंकि हमने बताया कि इसमें कीवर्ड होते हैं, किसमें, क्वेश्चंस में, उन्हीं कीवर्डों से जो है उत्तर पुस्तिका जो उत्तर लिखने वाला जो ताला होता है मतलब उत्तर का ताला इसी जो है कुंजी से खुलता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इनमें कुंजियाँ ढूंढनी है, मतलब इनमें जो कीवर्ड है उनको ढूंढना, की मतलब क्या होता है, चाबी या कुंजी, ठीक। देखिए, जो गांव नगर की बाहरी सीमा से लगे हैं, नगर की बाहरी सीमा से जो गांव लगे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उपनगरीय ग्राम कहा जाएगा। उपनगरीय ग्राम की परिभाषा देख लीजिए, यहीं पे जो है ये परिभाषा इसकी है कि जो नगर की बाहरी सीमा से लगे हुए होते हैं उनको हम उपनगरीय ग्राम कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि MN श्रीनिवास, तो MN श्रीनिवास महोदय के अनुसार जो है भारतीय ग्रामों की जो सामाजिक आर्थिक संरचना है निम्नांकित में से किस तथ्य से प्रभावित होती है, तो जो सामाजिक आर्थिक संरचना है MN श्रीनिवास के दास वो किससे प्रभावित होती है दोस्तों, तो किससे प्रभावित होती है, प्रभु जाति से प्रभावित होती है, किससे, प्रभु जाति से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि भारत में अधिकांश गांव में आज सामाजिक
स्तरीकरण में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा आधार प्रमुख है? तो कौन सा आधार प्रमुख है दोस्तों? तो भू स्वामित्व का आधार प्रमुख है। अब इसका क्वेश्चंस का मतलब नहीं समझ पाए होंगे आप कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या है और परिस्थिति क्या है। तो दोस्तों हमने एक परिस्थिति का उसका निर्धारण तो परिस्थिति का और स्तरीकरण का हमने वीडियो बना रखा है, उस पर गहनता से हमने अध्ययन किया है, गहनता से हमने आपको समझाया है, ठीक। तो उसमें जो है हमने डीप में जाकर के बताया। तो सामाजिक स्तरीकरण यहाँ पे मोटी मोटा मैं बता दूँ कि समाज में किसी व्यक्ति का स्तर कितना उच्च होगा और कितना निम्न होगा, ये जो करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। मतलब कितना ऊँच कोई व्यक्ति होगा और मतलब किसको कितना नीचा स्थान दिया जाएगा समाज में, तो उसको सामाजिक स्तरीकरण बोला जाता है। इसी सामाजिक स्तरीकरण से क्या होता है दोस्तों? परिस्थिति, परिस्थितियों के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो परिस्थिति क्या होती है? एक प्रदत्त परिस्थिति होती है, एक अर्जित परिस्थिति होती है दोस्तों। अर्जित मतलब प्राप्त की हुई, अपने द्वारा बनाई गई, और एक होता है प्रदत्त मतलब प्रकृति के द्वारा या आपके जो है पिता द्वारा या फिर आपको विरासत में कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है उसको प्रदत्त परिस्थिति बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जो भू स्वामित्व होता है, जो व्यक्ति आजकल समाज में जिनके पास भू स्वामित्व है मतलब भूमि अधिक है जिसके पास, ठीक है, तो जो भूमि अधिक है उनमें से कौन सा आधार, यही पूछा गया था कि व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने में कौन सा आधार प्रमुख है। तो जो परिस्थिति निर्धारण करता है सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्ति का, तो कौन सा? भू स्वामित्व के आधार पर कर ले, मतलब जो भू स्वामित्व होता है उसको थोड़ा ऊपर रखा जाता है, उससे कम वाले को उससे नीचे। इस तरीके से स्तरीकरण की स्तर आप समझ सकते होंगे कि आप कितने स्तर, मतलब आपका स्तर कितना गिरा है, समझ चुके हैं ना? जैसे एक स्तर यहाँ पे है, एक का यहाँ पे, एक का यहाँ पे, एक का यहाँ पे, इस तरीके से एक व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे राजा का स्तर ऊंचा होता है, उसके नीचे मंत्री होता है, फिर उसके बाद में जो है ये आपका जो है जो उसमें कुल पुरोहित होते हैं उनका स्तर इस तरीके से होता नहीं, सेनापति फिर होता है, फिर सेना होती है, ठीक। इस जैसे आप समझ लीजिए यस्सो हो गए, यस्सो के बाद में क्या होता है इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, उसके बाद में और नीचे आओगे तो सिपाही या फिर इस तरीके से होते, तो ऐसे इसको स्तरीकरण ही बोला जाता है, ठीक। तो जिसके पास जितना भू स्वामित्व होगा उसी आधार पर जो है किया जाता है। और भी सारे इसके आधार हैं, तो यहाँ पे जो प्रमुख आधार है वो भू स्वामित्व का ही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं इसी श्रृंखला में कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, वैसे मैं बता दूं, जो परिवारवाद में वृद्धि हो रही लगातार, परिवारवाद में जो वृद्धि हो रही वो गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित है। गांव में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवारों के माध्यम से हो रहे हैं, परिवारवाद में वृद्धि हो रही, मतलब एक परिवारवाद मतलब ऐसे गांव में पांच परिवार रहते हैं मान लिया, ठीक। अब पांच परिवार दोस्तों रह रहे हैं, अब क्या हुआ गांव में परिवर्तन, गांव में जो एक व्यवस्था बनी हुई है, अब मान लिया इनके घर का जो है कोई व्यक्ति मुखिया है, इनके घर का कोई व्यक्ति मुखिया है और इनके घर का कोई उससे निम्न पद पर है, ठीक। और इनके घर का मतलब ऐसे इस तरीके से सबको स्तरीकरण के रूप में विभाजित किया गया है, सब है, ठीक। अब होता क्या है, इनका बच्चा क्या करे, कोई गलती कर दे, किसका, जिसका मुखिया के यहाँ का कोई बच्चा अगर गलती कर देता है तो क्या करेगा, तो मुखिया कहीं ना कहीं पे इस बेटे से कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो लगाव रहता है, कितना भी हो जाए लेकिन बेटा अपना होता है तो कुछ ना कुछ लगाव होता है, फिर कोई अपने लोग होते हैं तो थोड़ा बहुत लगाव उनसे रहता ही है, चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन हो जाएं आप, तो ये लगाव क्या होता है, तो परिवारवाद इनके अंदर पनप गया कि ये मेरा बेटा है, मेरे परिवार का ये सदस्य है, या फिर परिवार का कोई सदस्य हो तो उसके लिए अगर जो फैसला देना होगा, अगर किसने गलत काम किया कुछ तो इसके लिए जो फैसला देना होगा, अगर इन्होंने इस फैसले में कुछ कमी रखी लोगों की अपेक्षा तो लोग क्या सोचेंगे, ये अपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए क्या होता है, समाज में जो परिवार में जो समाज में जो इस समय परिवर्तन हो रहा है, गांव में परिवर्तन हो रहा है, यही कारण प्रमुख है, ठीक। अगला चलो दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता नगर से संबंधित नहीं? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ये संबंधित है किससे, नगर से। सांस्कृतिक भिन्नताएं नगर में होती हैं, कोई बगल में अगर जो है कोई दूसरी संस्कृति का रह रहा है, बगल में कोई दूसरा संस्कृति मानता है, कोई दूसरे धर्म का रह रहा है कोई दूसरा धर्म मानता है, कोई मतलब जात पात का भेद, तमाम प्रकार की जो है संरचना पाई जाती है, अलग अलग लोग निवास करते हैं किसमें, नगर में, तो सांस्कृतिक भिन्नताएँ पाई जाती हैं, ये नहीं होगा। दूसरा दिया है दोस्तों अनौपचारिक संबंध, तो अनौपचारिक संबंध और दोस्तों औपचारिक संबंध क्या होते हैं, तो अनौपचारिक जो संबंध होता है वो गांव गांव में क्या होता है दोस्तों, गांव में क्या होता है, अनौपचारिक संबंध होता है, मतलब क्या,
संबंध मतलब क्या होते हैं, औपचारिक मतलब क्या होता है कानूनी तरीके से कोई चीज़ हो, और अनौपचारिक मतलब क्या होता है जिसमें कानून का कोई महत्व ना हो, लोग आपस में बैठ के सारा चीज़ सुलटा ले, सारी जो मैटर हो उसको जो है पूरा सुलटा ले। ठीक, तो ये होता है औपचारिक मतलब क्या होता है, औपचारिकता कहाँ पे फैली दोस्तों, तो औपचारिक संबंध नगरों में होता है। एक बार ध्यान सुनिएगा, 2019 का क्वेश्चन जिस सारे पूछे गए हैं, 2019 में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्वेश्चन आए थे। और ठीक, हमने पेपर देखा इसको, तो इनमें क्या आया था, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों संबंध, दोनों प्रकार के संबंध पूछे गए थे। तो नगर से संबंधित कौन होता है दोस्तों, तो नगर अगर यहाँ पे औपचारिक संबंध होता तो सही होता, यहाँ पे अनौपचारिक संबंध दिया है दोस्तों, तो विशेषता नगर की ये नहीं है। अनौपचारिक संबंध कहाँ पे होते हैं, गाँव में होते हैं। जैसे गाँव में कोई चीज़ हो गया तो गाँव में क्या होता है, सबका संबंध एक दूसरे से बाकायदा से बना होता है, और कैसा होता है, अनौपचारिक संबंध होता है, कोई कानूनी रूप से कोई कोई मतलब नहीं। लेकिन जो शहर में होता है वो क्या होता है, औपचारिक, मतलब अगर किसी को करना है, मतलब बगल में है तो, या फिर किसी घर में आकर आप जाकर के, रूम की मैं बात करूँ, अगर रूम किसी के घर में अगर आप जाकर के लेते हो तो क्या बोलते हैं, पहले आधार कार्ड दिखाओ, पूरी औपचारिकता। अगर गांव में जाते हो तो गांव में उतना सब मान्यता नहीं होती है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है अनौपचारिकता को बहिष्कृत करती हैं, और औपचारिकता को गाँव में मतलब नगर में लाती हैं। तो नगर किससे संबंधित है, औपचारिक संबंध है नगर में, और गांव में क्या है, अनौपचारिक संबंध है। तो पूछा क्या गया था कि निम्नांकित में से एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है, तो अनौपचारिक संबंध नहीं है। और विकास प्रौद्योगिकी ये भी होता है, प्रतिस्पर्धा शहर में होती है गांव की अपेक्षा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि मम फोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास कुछ बड़े बड़े गाँवों का विस्तार होने से हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो है मम फोर्ड के अनुसार, मम फोर्ड एक जो है समाजशास्त्री है, इनके अनुसार जिन नगरों का विकास जो है बड़े बड़े गाँवों का विस्तार होने से हुआ है उनको क्या कहा जाए। मतलब कोई नगर है जिनका विस्तार क्या हुआ है, बड़े बड़े गाँव है वही नगर बन गए हैं, उनसे जो है उनका विस्तार हो गया है, तो इसको क्या बोला गया, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, मध्यम नगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्यम नगर बोलेंगे, आरंभिक नगर एवं समस्या मूलक नगर या फिर महानगर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मध्यम नगर बोलेंगे। ठीक, तो याद रख लीजिए कि मम्फोर्ड जी ने क्या कहा था कि जब नगर क्या होंगे, जो बड़े बड़े गांव होते हैं जब उनका थोड़ा और विस्तार हो जाता है, उनमें जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं एक दो लग जाती हैं, उसके बाद में वहाँ पे लोग आकर रहने लगते हैं, और सघन उनका उस क्षेत्र का औद्योगिकरण होता है, और जब औद्योगिकरण होता है उसके बाद में क्या होता है, नगरीकरण होता है, और जब नगरीकरण हो जाता है उसी चीज़ का, तो उस नगर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उस नगर को हम क्या बोलते हैं, उस नगर को हम मध्यम नगर बोलते हैं जो कि गांव से बना है। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जो संख्या थी, नगरों की संख्या वर्तमान संख्या है, मतलब 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या है। तो मतलब इस समय 10 लाख से कितने ज्यादा आबादी वाले जो है, जो शहर है वो रह रहे हैं 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा गया। तो 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों 35 ऐसे जो है आबादी वाले नगर थे जिसकी जनसंख्या कितनी थी, 10 लाख से अधिक थी अपने भारत में। ठीक, तो कितने ऐसे, 35 2001 की जनगणना के अनुसार। और अब जो है थोड़ा इसमें डेटा चेंज हो सकता है 2011 वाले में, ठीक, और जब 21 का आएगा तो उसका भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। पूछता कब का है, तो समाजशास्त्र ये समझ, ये करंट का मुद्दा, करंट को लेकर के समाजशास्त्र वगैरह नहीं चलता, बीए वगैरह में इतने करंट के मुद्दे नहीं पूछे थे। दूसरा इसे 2011 की, 2011 से तुमको अधिकतर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। किस कब मिलेंगे, 2001 की जनगणना से मिलेंगे, जो कुछ भी मिलेंगे अधिकतर 90% मैं बताता हूँ कि किससे मिलेंगे दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार मिलेंगे, 2011 की जनगणना से 10% शायद आ जाए। ठीक, अगला प्रश्न कि आज जो भारत में आज नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आज कितना है दोस्तों, तो कितना है दोस्तों, 27% आपके नगरीय जनसंख्या है, कितनी, 27%, और 27 के बाद में सारी, ठीक, 73% आपकी जनसंख्या जो है वो कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है भारत में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला दोस्तों देखते हैं इस श्रृंखला में, अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, अब केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है दोस्तों, संघ शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया आपका, अब जैसे जम्मू और कश्मीर आपका अलग हुआ, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे अलग हुआ दोस्तों, तो ले एक बना, उसके बाद में एक जम्मू कश्मीर अलग बना, लद्दाख, ये सारी चीज़ें अलग हो गई। ठीक, तो लद्दाख ले इस तरीके से बटा दोनों, तो दो यूटी हो गई, ठीक, दो यूनियन टेरिटरी हो गई, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब कितनी हो गई दोस्तों, पहले 7 थी अब 9 हो गई है, 28 राज्य बचे हैं, पहले कितने थे, 29 राज्य थे, और 4 जून 2014,
2014 को कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों, तेलंगाना जो है राज्य नया बना था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न तो हालांकि पूछेगा नहीं, जो हमने अभी बताया। तो क्या पूछा कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर निम्नांकित में से भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम छोड़ दें तो भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है, और जो है यूनियन टेरिटरी को नहीं लेना, मतलब दिल्ली वगैरह को आपको नहीं लेना है, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, इन सभी को किसी को नहीं लेना है। तो कितने दोस्तों ऐसे हैं, तो तमिलनाडु जो ऐसा देश है, यहाँ पे आपका दिख रहा है तमिलनाडु, बा में दिख रहा है, तमिलनाडु जो है नगरीय जनसंख्या वाला सबसे अधिक प्रदेश है। यहाँ पे जो है सबसे अधिक क्या है, नगरीय जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सन 1991 से लेकर के 2001 तक भारत के किस नगर में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया, मतलब दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है, मतलब 1991 से लेकर के 2001 के बीच में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि किस प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। मतलब जैसे मान लिया यहाँ पे अगर 100 था, 100% मान लिया किसी राज्य में की जनसंख्या निवास कर रही थी, 100 से क्या हुआ, कितने परसेंट मान लिया, 100 मतलब 150 हो गया, मतलब 50% बढ़ेगा तो 100 का कितना हो जाएगा, 150%। तो यही पूछा जाता कि कितने परसेंट बढ़ी, तो अब 100 से यहाँ पे देखिए कितने परसेंट बढ़ी, तो 50% बढ़ी, अगर 150 हो रहा है तो 50% बढ़ती है। ठीक, तो ये यहाँ पे फेनोमेना है दोस्तों। तो कितनी, कौन सा ऐसा जो है जिसकी प्रतिशत सबसे ज़्यादा अधिक पाया गया। अब जनसंख्या तो सबसे अधिक अपने यूपी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत किस में बढ़ा है दोस्तों, तो दिल्ली में बढ़ा। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ने के लिए नहीं बोला गया था, तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन से संबंधित दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, नगर नियोजन जो है क्या है दोस्तों, नगर नियोजन क्या है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाले वर्तमान परिवर्तन संबंधित, तो नगर नियोजन जो होता है उससे नगरों में परिवर्तन हो रहे हैं, और जो परिवारवाद की भावना उससे किसमें, गांव में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, ये प्रश्न दिया है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर निम्नांकित में से भारत में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। ये हो गया क्या, हाँ ये हो गया, ये स्लाइड हो गई, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के एक गांव किशनगढ़ी का अध्ययन किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एक गांव किशनगढ़ी उसका अध्ययन किसने किया था, मतलब किस समाजशास्त्री ने किया था दोस्तों, तो कौन से, मैकी मैरियट ने किया था, किसका, किशनगढ़ी का अध्ययन किया था, जो कि एक यूपी का गांव है दोस्तों। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव का, मतलब जो है मैकी मैरियट ने उत्तर प्रदेश के किस गांव का अध्ययन किया था, तो कौन सा गांव है दोस्तों, किशनगढ़ी है। अगला प्रश्न कि ग्रामीण सामाजिक संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, व्यक्ति होती है, सबसे छोटी इकाई ग्रामीण सामाजिक संरचना की, ठीक, व्यक्ति होती है। अगला प्रश्न, नातेदारी होगी नहीं, परिवार होगा नहीं, सबसे छोटी इकाई, और ग्राम पंचायत भी नहीं होगा। अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वर्तमान समय में आप भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मुंबई। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्राम में नगर शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने किया था, या फिर किसने दिया था ग्राम में नगर शब्द, ठीक, तो किसने दिया था दोस्तों ग्राम में नगर शब्द, तो गाल्पिन ने दिया था ग्राम में नगर, ये समाजशास्त्री गाल्पिन महोदय विद्वान है, ठीक, इन्होंने दिया था। दोस्तों एक मन में वो चल रहा होगा कि कस्बा किसको बोला जाता है, तो कस्बा मैं बता दूं कि कस्बा जो होता है दोस्तों उसमें कितने व्यक्ति निवास करने चाहिए, कस्बा में 5 से अगर 10 हज़ार, 5 से 10 हज़ार के बीच में, 5K to 10K के बीच में अगर जिस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है उसको क्या बोला जाता है, उसको कस्बा बोला जाता है, ठीक, टाउन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ग्राम मानव के सामूहिक निवास की प्रथम व्यवस्था और कृत्रिम अर्थव्यवस्था के विकास का उत्पादक है, क्या है, प्रथम व्यवस्था एवं कृषि निवास की, ग्राम जो होता है मतलब गांव, मानव के सामूहिक निवास, समूह मतलब एक समूह में रह करके निवास करने की प्रथम व्यवस्था है, और कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का उत्पादक है, कृषि व्यवस्था का उत्पादक है, ऐसा जो है गांव की परिभाषा किसने दी थी दोस्तों, तो किसने दी थी,
ए आर देसाई महोदय ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ए आर देसाई महोदय ने क्या दी थी, गांव की परिभाषा देते हुए इन्होंने कहा कि ग्राम मानव के सामूहिक निवास की प्रथम व्यवस्था होती है, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनका विकास जो है तीव्र रहा है गांव में। अगला प्रश्न दोस्तों कि एस सी दुबे ने, ये भारतीय समाजशास्त्री हैं, एस सी दुबे ने ग्रामीण समुदायों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया, मतलब कितने आधारों पर बांटा, तो कितने आधारों पर बांटा इन्होंने दोस्तों, तो 6 आधारों पर इन्होंने जो है ग्रामीण समुदायों को विभाजित किया है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिया हूँ दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन मतलब अधिकतर पूछे ही गए हैं। ठीक, और जो क्वेश्चंस हमने और लिए, हमें इंपॉर्टेंट लगा कि ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आ सकता है, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड करा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय देहातों की मुख्य विशेषता नहीं है, तो भारतीय देहातों की मुख्य विशेषता नहीं दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है निर्धनता और अशिक्षा, तो देहातों में निर्धनता भी होती है मतलब गरीबता होती है, और अशिक्षा मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कमी भी होती है। अगला बी दिया है दोस्तों कि प्रकृति से लगाव, तो प्रकृति से लगाव भी होता है, और नहीं पूछा गया दोस्तों, तो ये दो तो आपके होंगे नहीं। अगला दिया जनसंख्या की क्या है, जनसंख्या की विषमता, विषमता मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जनसंख्या बहुत जो है घनी आबादी रह रही हो, ठीक, उसी को विषमता बोलाता है। अगला दिया है कि अपरिवर्तनशील कार्य प्रणाली, दोस्तों इसमें जो है अपरिवर्तनशील कार्य प्रणाली भी होती है, तो ग्रामीण देहातों की जो जो मुख्य विशेषता क्या है, जनसंख्या में विषमता, तो क्षेत्रों में देहात वगैरह में मतलब गांव वगैरह की बात कर रहा है, तो देहातों में क्या होता है दोस्तों, आबादी उतनी सघन नहीं होती, जनसंख्या की विषमता इसमें नहीं पाई जाती, तो यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि भारत में शहरों के उद्विकास का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख कारण क्या है भारत में शहरों के उद्विकास का, तो ऑप्शन ए दिया है औद्योगिकीकरण, बी दिया है कृषि में क्रांति, तो ये दोनों बिल्कुल सही, भारत औद्योगिकरण के कारण जो है शहरों के उद्विकास मतलब शहर बने हैं। देखिए मान लिया कोई गांव है या कोई क्षेत्र है, किसी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री, एक मान लिया क्षेत्र है, इस फैक्ट्री इसमें जो है 2-3 फैक्ट्री आके रह मतलब ये पूरा वीरान पड़ा था, अब यहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ लग गई, अब 2 फैक्ट्रियाँ लग गई, बगल का गांव यहाँ पे कोई गांव है, यहाँ पे कोई गांव है, मतलब दूर दूर से 20-20 किलो 30-30 किलोमीटर दूर पे ये गांव है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ फैक्ट्री लगी तो लोगों को पता चलेगा, प्रचार के माध्यम से बताया जाएगा कि जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा कंपनी का, कि यहाँ पे फला नामक कंपनी लगी है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो गांव के व्यक्ति होंगे, जो मतलब असहाय मतलब जिनके पास क्या होगा, कार्य करने की क्षमता होगी, कार्यकुशल व्यक्ति होंगे, और क्या होगा उनको मतलब वो बेरोजगार भी होंगे, तो क्या प्रति अग्रसर होंगे कि हम कंपनी के पास चलेंगे, तो यहीं पे आएंगे काम करना शुरू कर देंगे। अब जब कंपनी के आसपास ये काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, तब अब 20-20 30-30 किलोमीटर ये अब आए जाएंगे, तो इनका किराया लगेगा, तो क्या होगा इनका नुकसान होगा, तो ये क्या सोचेंगे दोस्तों कि यहीं पे कोई प्लाट लेंगे, तो ये चारों पांचों लोग जो ये गांव के लोग होंगे यहीं पे प्लाट लेंगे, यहीं पे अपना घर बनवाएंगे, और इसी से क्या होगा, इस पे क्या होगा आबादी सघन होगी, और जब आबादी सघन हो जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ का नगरीकरण हो जाएगा, और जब इसी क्षेत्र का नगरीकरण हो जाएगा तो क्या इसको बोला जाएगा, इसी को नगर बोला जाएगा, तो यही होता है शहरों का उद्विकास। तो यहाँ पे क्या होगा, शहर हो जाएगा, जब यहाँ पे सघन आबादी हो जाएगी तो कोई दूसरा धंधा, कोई मतलब इस तरीके से तमाम सारी दुकानें वगैरह शॉप्स वगैरह खुल जाएंगे, 4-6 मतलब आप कपड़ों की अपेक्षा तो मॉल वगैरह खुल जाएंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती रहेंगी, तो क्या होगा इसका नगरीकरण हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों नगरीकरण के लिए, औद्योगिकीकरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है नगरीकरण प्रक्रिया को करने के लिए। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में क्रांति भी इसमें है, औद्योगिकरण भी है, और ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो व्यापार और वाणिज्य ले सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दे देगा कि मतलब ऑल ऑफ दीज, ये सभी, तो ऑल ऑफ दीज आपको टच करना है, मतलब दोस्तों उसको लगाना है, इसका ऑप्शन एक ले लीजिए यहाँ से, ठीक, ऑल ऑफ दीज या फिर ऑल, तो इसका क्या ऑल होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, देखिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की, इसे कोई नगर होगा, कोई गांव होगा, कस्बा होगा, इस चीज़ के जब पूछेगा तो, या फिर इनकी इनमें से विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा इनमें से निम्न में से कौन सी विशेषता ग्राम की है, तो कौन सी है, कौन कौन सी मतलब कौन सी विशेषता है, तो उनमें 3 ऑप्शन होगा, वो 3 के 3ों विशेषता होगी, और एक ऑप्शन ए नोटी देगा, और जब नहीं पूछेगा तो एक ऑप्शन ऐसा देगा जो कि ग्राम की विशेषता नहीं होगी, नगर की होगी, या फिर उपनगर की होगी, या फिर शहर की, उसकी कस्बे की होगी। ठीक, तो इस तरीके से पूछेगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कि नगर से संबंधित देशों की कौन, नगर से संबंधित देश दोषों, नगर से संबंधित दोषों में
कौन सा असत्य है? चार जो है आपके कथन दिए हैं, ये पूछा जा रहा है कि नगर से संबंधित ये चारों कथन हैं, इनमें से जो दोष हैं, नगर से संबंधित दोष हैं, उन दोषों में कौन सा असत्य है, ठीक, मतलब गलत है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों, क्या दिया है, नगर परिवार नातेदारी और रक्त संबंधों को नष्ट कर देता है। तो नगर के, नगर का दोष है ये क्या कि नगर परिवार और नातेदारी रक्त संबंधों को मतलब नष्ट कर देता है, तो बिल्कुल नष्ट कर देता है, सही है। तो नगर संबंधित दोष ये है, ये मतलब क्लियर दोष है, प्योर, ठीक। अगला है कि नगर व्यक्तित्व के एकांगी पक्ष को विकसित करता है, तो बिल्कुल एकांगी पक्ष, मतलब एकांगी पक्ष को विकसित करता है। नगर में लोग रहने लगते हैं तो मतलब ही नहीं रहता, एक दूसरे के बगल में कोई रह रहा उससे कोई मतलब नहीं है, इसे सामाजिकता से कोई मतलब नहीं रहता। क्या होता है, वो व्यक्ति सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है, ठीक, और उसके बाद में जो कुछ आप उसको करना होता है, करके करने के बाद में क्या होता है, ऑफिस चला जाता है, ऑफिस से फिर शाम को थका रहा आता है, घर में भोजन करता है और उसके बाद में सो जाता है, फिर सुबह उठता नहाता है, फिर ये प्रक्रिया, दैनिक क्रिया चलती रहती है निरंतर जीवन भर। तो क्या होता है दोस्तों, यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या होता है, एकांगी पक्ष होता है, इसमें क्या होता है, आर्थिक पक्ष जो होता है मजबूत होता चलाता है, लेकिन जो सामाजिक पक्ष होता है ये गिरावट की तरफ चलाता है, समाज में उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति गाँव का हो, अगर वो व्यक्ति शहर में जाकर के रहने लगता है और जब वो बाई चांस मतलब गांव में पहुंच जाता है, तो उसमें जो समाज की जो पहचानने लोग उसको कम पहचानते हैं, उसके समाज में कम इज्जत भी होने लगती है उसे। और अब तो बात की जाए तो अब तो सब लोभी, पूरा जो है संसार लोभी होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जबकि समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो यही चीज होती है, ठीक। तो ये दो आपके हो गए। अगला है कि नगर में वैयक्तिक उन्नति के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं, तो ये दोस्तों ये दोष नहीं है इसका, ये सही है, मतलब इस क्वेश्चन का ये ही सही है करेक्ट आंसर, कि नगर में वैयक्तिक उन्नति के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। नगर में क्या होता है, व्यक्तिक मतलब, व्यक्तिक मतलब क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति दर व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति अलग होगा, व्यक्ति अलग होगा, एक सामाजिकता होता है, मतलब एक व्यक्तिक होता है, एक सामाजिक होता है। तो व्यक्तिक मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति, मतलब विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, व्यक्तिक उन्नति। तो नगर में क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिक उन्नति के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं आपको, ठीक, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में जो है सामाजिक जो है उन्नति के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। अगला दिया है दोस्तों, नगर में सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है, तो बिल्कुल पाया जाता है, सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है, लोगों में यूनिटी नहीं होती, लोग एक दूसरे से बोलने के लिए राजी नहीं होते, मतलब जल्दी कोई मतलब ना टाइम ही नहीं मिलता लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तीन चीज़ हो गई आपके, ये तीन इसके क्या हैं, इसके सही है, और ये जो ये सा वाला है ये गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में यही सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव प्रक्रिया का उदाहरण नहीं, पारस्परिक क्या मतलब होता है कि गांव का जो है प्रभाव नगर पर पड़ता है और नगर का प्रभाव क्या पड़ता है, गांव पर पड़ता है। तो ऐसे प्रभावों को पारस्परिक प्रभाव बोलाता है, पारस्परिक मतलब एक दूसरे के प्रति प्रभाव, तो उसको पारस्परिक प्रभाव की श्रेणी हम दे सकते हैं। तो ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभावों से उत्पन्न प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों। तो जो नगरीकरण है ये भी गांव एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव, हमने बताया जब नगरीकरण किससे होता है, गांव का नगरीकरण होता है तो उस नगर बनता है, तो ये करेक्ट हो गया। ग्राम में नगरीकरण ये भी सही है, अब गांवों का मतलब ग्रामीणों का नगरीकरण होगा तभी तो नगर बनेंगे, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और ये देखिए ग्रामीकरण, सी ऑप्शन दिया है आपका ग्रामीकरण, ये भी सही है। और आ दिया दोस्तों औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण जो होता है किसी गांव में या फिर इसमें नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में हो गया तो उसी एरिया में लोग जाकर के रहने लगते हैं, तो नगरीकरण से क्या होता है, नगरीकरण से नगर बनने की व्यवस्था होती है। तो क्या है इसमें दोस्तों कि ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव जो है से उत्पन्न प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो औद्योगिकरण जो है ग्राम एवं नगर के पारस्परिक प्रभाव से उत्पन्न प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि कस्बा वह क्षेत्र होता है जो, तो कस्बा वह क्षेत्र होता है जो दोस्तों क्या होता है, गांव और नगर के बीच में होता है और जिसमें 5 से 10 हज़ार व्यक्ति रहने चाहिए, ठीक। तो ये बात हो गई आपके कस्बे की। अब आखिरी पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की मैं बात करूं दोस्तों कि नगर की प्रमुख समस्या क्या है, नगर की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों, वायु प्रदूषण, बिल्कुल वायु प्रदूषण नगर में बहुत होता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया होती है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, उसके बाद में क्या होता है मोटर वाहन की यातायात के साधन बहुत होते हैं यहाँ पे, तो वायु प्रदूषण तो जाहिर सी बात होती है। उसके बाद में जो है यातायात के साधनों से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ट्रेन वगैरह अगर बगल से चल रही तो भी ध्वनि प्रदूषण, और इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती है, और उसके बाद में जल प्रदूषण तो होता ही होता है, ठीक। तो उपर्युक्त सभी जो है ये इसके हैं,
नगर की कितनी समस्याएं हैं? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी हैं। अगला प्रश्न कि नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, जो है इस पे स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में कि नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको उपनगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नगर के चारों ओर घेरने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको उपनगर की श्रेणी हम देते हैं, उपनगर की संज्ञा देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि एक जो है विद्वान हुए हैं, उन विद्वानों ने जो है ये गांव के बारे में कुछ लिखा है, तो ये कथन किसका? ये कथन मैं पढ़ रहा हूँ, कथन को सुनिएगा ध्यान से कि गांव वह समुदाय है जहाँ एक सापेक्षिक समानता, एक सापेक्षिक समानता मतलब सभी को एक सापेक्ष समानता मिलती है, औपचारिकता, ठीक, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक। तो अनौपचारिक नगर में होता है और गांव की बात करा तो यहाँ पे औपचारिकता होती है गांव में, बिल्कुल। तो सापेक्षिक समानता होती है, औपचारिकता होती है, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, बिल्कुल सही, प्राथमिक समूहों की प्रधानता होती है गांव में। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का कम घनत्व गांव में कम घनत्व होता है, सबके घर जो बने होते हैं बहुत अच्छे तरीके से बने होते हैं, सारा घर उनके जो है मतलब अगल बगल का और मतलब आगे पीछे का सब पूरा दिखाई पड़ता है। शहर में क्या होता है, एक दूसरे को, एक दूसरे से क्या होता है, एकदम सटे सटे घर होते हैं, ठीक, तो उससे क्या होता है शोभा घरों की बिगड़ जाती है। और गांव के घर देखो तो मतलब एक गाड़ी खड़ी करने वाला अलग बने होगा, और मतलब अगर पशु हैं तो पशु के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, और जिसमें हम लोग मतलब जो रहते हैं व्यक्ति उनकी व्यवस्था अलग की जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनसंख्या का कम घनत्व भी होता है, कृषि की मुख्य व्यवसाय, कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है। तो ये सारी फेनोमेना जो है गाँव की हैं, गाँव की परिभाषा देते हुए एक व्यक्ति हमारे निकल कर जाते हैं, उनका क्या नाम है? आर एन मुखर्जी महोदय। आर एन मुखर्जी महोदय ने परिभाषा दी दोस्तों कि गाँव वह समुदाय होता है जहाँ एक सापेक्षिक समानता, औपचारिकता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व होना, कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। ये कथन किसका है? तो आर एन मुखर्जी का है। किसका? आर एन मुखर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कि ग्राम और ग्राम की परिभाषा और एक व्यक्ति ने दी है, उनका क्या नाम है दोस्तों? सिम्स। सिम्स इनका नाम है, क्या नाम है मैं इनके इनके नाम के बारे में बता दूं, इनका नाम है सिम्स, जो इन्होंने परिभाषा दी है, ठीक, सिम्स महोदय यहाँ पे लिखा, ये देखिए सिम्स है, ठीक, इसका सही ये होगा, लेकिन सिम्स महोदय के परिप्रेक्ष्य में ये वाला ये कथन इन्होंने कहा कि ग्राम वह नाम है जो कि व्यक्ति समान, ग्राम वह नाम होता है जो कि समानता पुरातन कृषकों की क्या करता है? स्थापना को दर्शाता है। जो पुरातन कृषक होते हैं उनकी स्थापना को क्या करता है? दर्शाता है, उसी को गांव कहा है। किसने? सिम्स महोदय ने, ठीक। तो यहीं पे दोस्तों आपसे गांव से रिलेटेड जितने भी गांव, कस्बा, नगर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे हमने करवा दिए दोस्तों। इसके बाद वाला टॉपिक हमारा बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड करेंगे दोस्तों, ठीक। क्या यही जो थंबनेल होगा आपका ग्रामीण नगरीय संबंध, इसको मैं अपलोड करूंगा, ठीक, अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक आपने हमारे बीए करेकर और शुक्ला टी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 26 जनवरी की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ कि 26 जनवरी में आप अच्छे अच्छे जो है अगर आपके कॉलेज में अगर जाएंगे तो अच्छी अच्छी जो है आपकी स्पीच वगैरह और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो इसी बात को लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, नई वीडियो में, नए उमंग और नए जोश के साथ।